हेलो फ्रेंड्स, नो इकोनॉमिक्स जानियर शास्त्र में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेशी विनिमय के बारे में और समझेंगे कि क्यों एक रुपये एक डॉलर के बराबर नहीं होता है या क्यों एक रुपये की कीमत एक डॉलर के बराबर नहीं होती है और समझेंगे कि किसी देश की करेंसी की कीमत जैसे रुपया या डॉलर की कीमत है किन चीज़ों पर निर्भर करती है। पर इन चीज़ों को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लेना बेहद ज़रूरी है, जैसे फॉरेन एक्सचेंज क्या है या विदेशी विनिमय क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या विदेशी विनिमय बाजार क्या है और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है या विनिमय दर क्या है। दोस्तों, फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स या एफएक्स हिंदी में कहें तो विदेशी विनिमय या और कुछ नहीं है बल्कि एक करेंसी का दूसरी करेंसी में परिवर्तन है। जब भारतीय रुपये को अमरीकी डॉलर में बदला जाता है तो यह अमरीकी डॉलर भारत के लिए विदेशी विनिमय या फॉरेन एक्सचेंज कहलाता है। अब सवाल उठता है कि करेंसी की अदला बदली कहाँ होती है, तो करेंसी की अदला बदली फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में होती है। पर आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है जिसे करेंसी मार्केट भी कहते हैं, ये कोई भौतिक बाजार नहीं है या ये कोई ऐसी जगह विशेष नहीं है जहाँ करेंसी की अदला बदली होती हो, बल्कि ये एक ऐसी विकेंद्रित या डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था है जहाँ करेंसी को बदलने के लिए बहुत सारी छोटी बड़ी संस्थाएँ काम करती हैं जो सरकार से अधिकृत भी होती हैं। दो व्यक्ति चाहें तो करेंसी की अदला बदली कर सकते हैं, यह भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का हिस्सा है। पर मुख्य रूप से करेंसी की खरीद बिक्री और करेंसी एक्सचेंज के लिए बड़े इंटरनेशनल और नेशनल बैंकों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कई एनबीएफसीज और इंश्योरेंस कंपनीज भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में मदद करती हैं। इसके अलावा बड़े होटल्स रेस्टोरेंट्स में भी करेंसी एक्सचेंज की सुविधा होती है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मास्टर कार्ड या मेस्ट्रो कार्ड जैसे इंटरनेशनल क्रेडिट या डेबिट कार्ड के प्रयोग से भी विदेशों में करेंसी एक्सचेंज किया जा सकता है। इस तरह की डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था को ओवर द काउंटर या ओटीसी मार्केट भी कहते हैं। अब जब एक करेंसी दूसरे करेंसी से बदली जाती है तो सवाल उठता है कि एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी की कितनी मात्रा दी जाए, अर्थात एक डॉलर के बदले कितना रुपया दिया जाए। तो यह तय होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट पर। मान लीजिए कि आरबीआई द्वारा दिया गया एक्सचेंज रेट एक डॉलर इज इक्वल 64 रुपये है, तो इसका मतलब होगा कि एक डॉलर खरीदने के लिए हमें 64 रुपये देने होंगे। अब किसी भी देश में एक्सचेंज रेट या विनिमय दर दो तरह से काम करता है, या तो एक्सचेंज रेट फिक्स्ड या स्थिर हो सकता है या फिर यह परिवर्तनशील हो सकता है। अर्थात विनिमय दर प्रणाली दो तरह की होती है, एक को फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम कहते हैं या स्थिर विनिमय दर प्रणाली कहते हैं और दूसरे को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम या परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली कहते हैं। दोस्तों, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के तहत विनिमय दर का निर्धारण यानी देश की करेंसी की कीमत दूसरे देश की करेंसी के मुकाबले क्या होगी या उस देश की सरकार निर्धारित करती है। ऐसे में एक्सचेंज रेट अधिकांशतः स्थिर होते हैं और इस प्रणाली के अंतर्गत सरकारें अपने देश की मुद्रा की कीमत को आर्टिफिशियली कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं और अपने फॉरेन रिजर्व या विदेशी मुद्रा भंडार से पैसा निकाल निकाल कर अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट को पूरा करने की कोशिश करते हैं। 1944 में यह सिस्टम अमेरिका और यूरोपियन देशों ने ब्रेटन वुड्स के न्यू हैम्पशायर में हुए एक कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत अपनाया था और इसके साथ साथ भारत ने भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को अपनाया। पर 1977 में यूएसए के द्वारा इस सिस्टम को छोड़ते ही विश्व के अधिकांश देशों ने विनिमय दर के निर्धारण के लिए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को छोड़ दिया और भारत ने भी मार्च 1993 में विनिमय दर के निर्धारण के लिए एक नए सिस्टम को अपनाया जिसे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम कहते हैं। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम पूरी तरह से बाजार की शक्तियों पर निर्भर करता है और इस सिस्टम के तहत डेली बेसिस पर एक्सचेंज रेट में परिवर्तन होता रहता है। इस सिस्टम के अंतर्गत विनिमय दर का निर्धारण ठीक वैसा ही होता है जैसे अर्थशास्त्र में हमें कीमत निर्धारण का सिद्धांत सिखलाता है। जैसे किसी वस्तु की कीमत उसकी मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है, विनिमय दर का निर्धारण भी इसी प्रकार करेंसी की मांग और करेंसी की पूर्ति पर निर्भर करता है। जिस देश की करेंसी की मांग जितनी अधिक होगी उस देश की करेंसी उतनी ही अधिक महंगी होगी, ठीक ऐसा ही जिस देश की करेंसी की पूर्ति जितनी अधिक होगी उस देश की करेंसी उतनी ही सस्ती होगी और ऐसा रुपया या डॉलर के साथ भी होगा।
अब सवाल उठता है कि करेंसी की मांग और करेंसी की पूर्ति का क्या मतलब है। यहाँ पर हम विनिमय दर निर्धारण को समझने के लिए भारत और अमेरिका के करेंसी के संदर्भ या एग्जाम्पल का प्रयोग करेंगे और करेंसी की डिमांड के बजाय डॉलर की डिमांड और करेंसी की सप्लाई के बजाय डॉलर की सप्लाई शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर डॉलर की मांग का मतलब है कि अमेरिका से आयातित वस्तु या सेवा को उपभोग करना। वैसे भारतीय या भारतीय फर्म जो यूएसए की वस्तु या सेवा का उपभोग करते हैं, यूएसए में कोई संपत्ति या जमीन खरीदते हैं, यूएसए की बॉन्ड या सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं, यूएसए की किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, भारत से अमेरिका पैसा भेजते हैं, या अमेरिका पढ़ने या इलाज कराने या घूमने जाते हैं, चाहे किसी भी तरीके से अमरीकी उत्पाद और सेवा का उपभोग करते हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डॉलर की मांग करते हैं, क्योंकि अमरीकी रुपए में भुगतान तो लेंगे नहीं, रुपए को डॉलर में बदलना होगा। उदाहरण के लिए आपने एक आईफोन खरीदा है, भले ही आपने भारतीय रुपए में इसका भुगतान किया हो, पर अंततः एप्पल के सीईओ तक यह पैसा डॉलर के रूप में ही पहुंचेगा। अर्थात हम जितना वस्तु या सेवा यूएसए से आयात करेंगे उतना ही डॉलर की मांग करेंगे। और जैसा कि कीमत निर्धारण का सिद्धांत हमें सिखलाता है कि जिसकी मांग जितनी अधिक होती है वह उतना ही अधिक महंगा होता है, और इसलिए डॉलर रुपए के मुकाबले महंगा होता है। पर कीमत निर्धारण के लिए सप्लाई साइड का भी अध्ययन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का रिलेशन ही कीमत तय करता है। तो चलिए अब समझते हैं कि डॉलर की पूर्ति का क्या मतलब है। जब कोई अमरीकी या अमरीकी फर्म भारतीय वस्तु या सेवा का उपभोग करता है तो वह हमें रुपये में भुगतान नहीं करता, वह डॉलर में भुगतान करता है जो बाद में रुपये में परिवर्तित हो जाता है। ठीक इसी तरह जब एक अमरीकी व्यक्ति भारत घूमने आता है, या कोई अमरीका से भारत में पैसा भेजता है, या कोई अमरीकी फर्म भारतीय बाजार में पूंजी या शेयर खरीदता है, तो वह डॉलर की पूर्ति करता है। हम ऊपरी तौर पर यह समझ सकते हैं कि भारत जितना अधिक अमेरिका से आयात करेगा डॉलर की मांग उतनी अधिक होगी, और अमेरिका को जितना अधिक निर्यात करेगा उतना अधिक डॉलर की पूर्ति होगी। अब डॉलर की मांग और डॉलर की पूर्ति के बीच का आपसी संबंध डॉलर की कीमत निर्धारित करेगा। डॉलर की मांग जितनी अधिक होगी डॉलर उतना महंगा होगा, और डॉलर की पूर्ति जितनी अधिक होगी डॉलर उतना सस्ता होगा। यदि $1 = 64 रुपये है तो इसका मतलब है कि 64 लोग डॉलर की मांग करते हैं, जबकि एक ही व्यक्ति रुपए की मांग करता है, या यूं कहें कि एक ही व्यक्ति डॉलर की पूर्ति करता है। इसलिए भारत जितना अधिक अमेरिका से वस्तु और सेवा आयात करेगा डॉलर उतना महंगा होगा और उतना ही रुपए कमजोर होगा, जबकि भारत जितना अधिक अमेरिका को वस्तु और सेवा निर्यात करेगा रुपए डॉलर के मुकाबले उतना ही अधिक मजबूत होगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिस देश की करेंसी की कीमत डॉलर के मुकाबले कम है वह देश आर्थिक रूप से कमजोर है। बहुत बार देश जानबूझकर अपनी करेंसी की कीमत को कम कर देते हैं, जिससे वह अपने निर्यातों को विदेशों में सस्ता कर सकें और अपना निर्यात बढ़ा सकें। इसे डिवेल्युएशन या अवमूल्यन कहते हैं। भारत में भले ही फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है, पर भारत सरकार चाहे तो कभी भी अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या विदेशी विनिमय भंडार से पैसा निकालकर ₹1 को $1 के बराबर कर सकती है। दोस्तों, हमने समझ लिया है कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है। अब हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें विदेशी विनिमय की दर को प्रभावित करती हैं। इसमें पहला है बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन। किसी भी देश का चालू खाता, जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही एक भाग है, जितना फेवरेबल होगा विदेशी विनिमय उस देश के लिए उतना ही अच्छा होगा। दूसरा है ब्याज दर। यदि यह मान लिया जाए कि भारत सरकार विदेशी निवेश पर कोई कर या ड्यूटी नहीं लगाती है और भारत में ब्याज दर अमेरिका में मिलने वाले ब्याज दर से अधिक है, तो अधिक ब्याज दर की लालच में अमेरिकी भारी मात्रा में भारतीय बॉन्ड और प्रतिभूति खरीदेंगे, यानी डॉलर भागकर भारत आएगा। ऐसे में यहाँ डॉलर की पूर्ति बढ़ जाएगी और भारतीय रुपये डॉलर के मुकाबले मजबूत होगा। तीसरा है मुद्रास्फीति। देश में अधिक मुद्रास्फीति आयात को बढ़ाती है और निर्यात को घटाती है, जिससे रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है। चौथा है फॉरेन रिजर्व। देश में जितना विदेशी मुद्रा का भंडार होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन के घाटे की पूर्ति उतनी ही आसानी से की जा सकेगी,
और जिससे विदेशी विनिमय की कीमत को बढ़ने से रोका जा सकेगा। पांचवा है डिवेल्युएशन ऑफ करेंसी, यानी मुद्रा का अमूल्यन। यह माना जाता है कि हर बार मुद्रा की अधिक कीमत होना लाभदायक नहीं होता, इसलिए बहुत बार कई देश अपनी करेंसी की कीमत को दूसरे देश की करेंसी की अपेक्षा कम कर देते हैं। यदि $1 इज इक्वल 64 रुपये है और भारत अपनी करेंसी की कीमत ₹1 घटाता है, तो अब $1 इज इक्वल 65 रुपये होगा, यानी भारत ने अपनी करेंसी में ₹1 का अमूल्यन किया है। जब करेंसी का अमूल्यन किया जाता है तो देश का आयात घटता है, क्योंकि आयातित वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, जबकि विदेशों को किया जाने वाला निर्यात सस्ता हो जाता है, जो कि बाद में बैलेंस ऑफ पेमेंट को संतुलित करता है, भुगतान संतुलन को ठीक करता है और लॉन्ग रन में विदेशी विनिमय को मजबूत करता है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आपने फॉरेन एक्सचेंज क्या है और कौन कौन सी चीजें फॉरेन एक्सचेंज रेट को प्रभावित करती हैं उसे अच्छे तरीके से समझ लिया है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है नए वीडियो बनाने में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।